गाइस प्रैंक टाइम, वो लोग नीचे आ रहे हैं और मुझे उन्हें पा करके डराना है। मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया। वो मेरा पैर नहीं है, पैर में कुछ हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ, डर मत जाना। Hey guys, कैसे हो आप लोग? Welcome to our channel. तो आज मैं इतनी खुश इसलिए लग रही हूँ क्योंकि मतलब शुरुआत ही भाई साहब इतने अच्छे मौसम से हुई है। मतलब हम उठे भाई वीडियो बनानी जल्दी जल्दी से छत पे। आज हमने डिसाइड करा छत पे वीडियो बनाने के लिए क्योंकि हम जब कल आए थे ना यहाँ पे तो लाइव चल रहा था, मतलब दूसरे लोगों का शूट चल रहा था, और जब हम एकदम से आ जाए तो देखो भाई मौसम कितना अच्छा है भाई। मतलब दिल्ली में अभी तक तो धूप निकल जाती है और गली गली गर्मी से हम सड़ रहे होते हैं, पर यहाँ पे दो तीन दिन से इतना मस्त है मौसम। बारिश भी हुई थी कल लगातार, और पता है यहाँ पे क्या उठ ना जाओ, आती आती आ रही है तू रही सोना उठ ना जाए। और पता है क्या बोलने वाली है यार, मैं ऐसे होता भूल जाती हूँ मैं। आपको आवाज आ रही है क्या? यह हवा की आवाज आ रही है या फिर? और सोना, हम सोना मकर दिखाऊं ज्यादा। हम वहाँ पे थे ना वो वाले फ्लैट में, तो बताऊ क्या हुआ मेरे साथ। वो मेरा पैर नहीं है, पैर में कुछ हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ, डर मत जाना। मतलब ज्यादा ओवर वर्क करने की वजह से। ओह माय गॉड, जाओ मैं आपको कैसे दिखाऊं। पैर पकड़ी दिखा भाई, दिखा कैमरा कैमरा कैमरा। हाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो ये आपको दिख रहा है। अरे और बस कर मौना मौत हो गया। आई एम सॉरी गाइस ये दिखाने के लिए, पर सब कुछ शेयर करना पड़ता है आपसे, और कोई बात नहीं है, मेरे ख्याल से सही हो जाएगा। और मुझे इसको बार बार धोना पड़ेगा क्योंकि ये इन्फेक्शन हो गया, तो और यहाँ पे मेरा सत्यानाश हो जाएगा, मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी, बेफालतू मेरा खराब हो जाएगा सब कुछ। कोई बात नहीं, इतना ज्यादा नहीं है शायद। मम्मी से बोला था मैंने, मम्मी कह रही कि ये क्या कर लिया, मम्मी भी हैरान हो गई। मम्मी कह रही कि जल्दी अपना शूट कर खत्म करो और आ जाओ, पर शूट ज्यादा करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, हमें भी घर जाना है। सो गाइस अब हम आगे बढ़ चुके हैं अपने लोकेशन की तरफ, और तू ना मेरा मजाक उड़ाना बंद कर, ये बस मैंने दो दिन ही पहना है। तीसरा दिन है। सोना कमेंट में लोग क्या लिखेंगे बताइयो, अभी बहुत फनी बात बता दी दीदी फिर से यही पहन लिया। कोई बात नहीं, बेइज्जती तो होती रहती है मेरी, चलता है। और अभी मैंने थोड़े जॉगिंग वाले कपड़े पहन रखे हैं, आज नहीं गई जॉगिंग पे क्योंकि आज हमें सुबह सुबह उठना पड़ा। हाँ। जल्दी फिर हमने शॉर्ट्स शूट करी है, पर हमने पूरा टाइम वेस्ट नहीं करा, करा है। आपने देखा ना हमने ऊपर भी बनाई वीडियोस, और नीचे नहीं बना पाई इधर क्योंकि अब बहुत तेज हवा चल रही थी, और भी तेज हो गई थी, और हवा चल रही है तो भाई साहब हमारी आवाज नहीं आएगी, बस हवा की आवाज आएगी। व्लॉग में भी हवा की आवाज आ रही होगी बहुत। तो चलो अभी तो कोई भी नहीं आया है लोकेशन पे क्योंकि हम लोग जा रहे हैं नहाने, क्योंकि हम दो दिन से नहीं नहाए हैं, बता देती हूँ, कोई बात नहीं। हम दो दिन से नहीं नहाए हैं बिकॉज ऑफ वू। हम दो दिन से नहाए क्योंकि हमारा वर्क ज्यादा था, अभी हमारे पास बस कुछ ही दिन बचे हैं और फिर हम जाएंगे घर आराम से, मजा आएगा यार। यहाँ पे ना पता कोई सब कहीं भी हो, मतलब कहीं भी फाड़ जाए ना, घर जैसा आराम मुझे कहीं नहीं मिलता, नींद भी नहीं आती। तो चलो चलते हैं अपनी लोकेशन पे, और आपको आज पक्का अपनी लोकेशन दिखाऊंगी। पिछली बार नहीं दिखा पाई थी क्योंकि पहली वो सब पहुंच गए थे कैमरामैन। पिछली बार से यू मीन कल? कल हाँ पिछली बार, मतलब इससे पहले वाली बार। ठीक है तो चलते हैं। सुंदर, कितना सुंदर है ना। कितना गंदा है ना ये देखो। We are here in our location. रात में ये जगह और भी मस्त लगती है।
ये देखो इतना बड़ा है ये। वो हाँ सॉरी, ये वाला ये दिख रहा होगा अंदर से। भाई साहब मुझे ऐसा ही घर चाहिए, सच बता रही हूँ, मुझे ऐसा ही घर चाहिए। हम ये वाली एंट्रेंस पे नहीं, वाली चलते हैं वाली एंट्रेंस पे। यहाँ पे पेड़ पौधे, यहाँ आंटी पानी डाल रही हैं। ये वाली एंट्रेंस पे जाना है, अरे गलत चलेगा, वही वाली एंट्रेंस पे जाना था। अच्छा अच्छा, हम बिना बुद्धू है, हम नहीं बस सॉरी। हाँ ये वाली एंट्रेंस से ऊपर जाना है। चलो, थकी हमारी जिंदगी से थके हुए इंसान। Here we are. ये है हमारी लोकेशन नरेंद्र जी। फोन में लग गए आते, देखो ये रहा डाइनिंग टेबल, यहाँ पे है रूम, इसको आके पकड़ लेती बार बार। और ये रहा एक और रूम जो कि बहुत ज्यादा मैसी सा है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी आउटफिट्स रखी हैं अलग अलग तरह की, कपड़े ना हमारे पास, इसमें से कुछ भी उठा के डाल। सबसे बेस्ट पार्ट खुला नहीं जा रहा तेरे पे। अच्छा अच्छा, यहाँ अच्छा यहाँ पे वो है, चल मैं चलती। ये रहा यहाँ का सुबह का व्यू। तोड़ दिया पागल, लेके तोड़ कैसे दिया पागल? अगर ये है तो हम यहाँ कपड़े सुखाएंगे ना, इसका कौन कौन सुखाता है? कैसे निकल लेता, हमें नहीं पता। हाँ ऐसे ही था। सो गाइस अभी हमारा पैकअप हो गया है और खुशी हो रही है, कभी इतना मजा आया है? बहुत मजा आया, मुझे तो बहुत मजा आया। पैकअप हो गया, इतनी कभी खुशी हुई है पैकअप होने के? खुशी भी हो रही है, थक भी बहुत गए हैं और देखते हैं हम क्या करेंगे। आप क्यों हंस रहे हैं? घर जा रहे हैं हमको, घर घर जा। अभी फिलहाल घर की याद आ रही है, अभी भी घर की याद आ रही है। फिर पैकअप होने के बाद भी किसी की याद आ रही है? घूमने नहीं जाना, फिलहाल कहीं जाना है बस। पैकअप होने के बाद भी किसी की एक्टिंग चल रही है? इधर इधर इधर, हेलो हेलो करो, हेलो। ऐसे नहीं, सबसे तगड़ा एक्टर यही है, सबसे तगड़ा एक्टर यही है, इसने हिला दिया अपनी एक्टिंग से आज। अभी नहीं ना, इंडस्ट्री भी हिलेगी अभी। रियल में पिटा ये इंसान, इस स्टोरी के अंदर रियल में पिटा है, रियल में कम से कम 6 झापड़ खाए हैं इसने। आप जब वीडियो आएगी जब देखना। इतनी बड़ी बेइज्जती मत कीजिए, वो वाली बात बताओ। जुबां केसरी, वो जुबां केसरी। इसने कहा कि मैं नेचुरल एक्टर हूँ, तो माँ से बोला कि माँ आप मेरे असली के झापड़ मारो, कोई इसमें कोई वो नहीं है। तो हम तड़ा तड़ मारने 5-6 झापड़ चढ़ दिए, लेकिन फिर भी एक्टिंग जबरदस्त की है। यस परफेक्ट। और इसका जो फेमस डायलॉग है वो है जुबां केसरी, मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया। गाइस प्रैंक टाइम, वो लोग नीचे आ रहे हैं और मुझे उन्हें पा करके डराना है। कोई डरने नहीं वाला, आई एम श्योर। नहीं तू नहीं थी ना जब दिन में मैंने ये प्रैंक किया था और ये पास भी हुआ था। पीछे आवाज नहीं आ रही अभी, मुझे भी नहीं हिलने मिलने की। अच्छा लॉक कर रहे होंगे। कोई बात नहीं, तू ना जब जैसे ही आएंगे ना वैसे तू ऑन कर दियो कैमरा। तो चलो भाई भागो। हम लोग रूम पर पहुंच गए हैं और मैं वहां से ना ये वाली ऐसी ढीला का डॉपली आई थी, क्योंकि मैंने सोचा आज क्यों ना चेंज कर लिया जाए। वो ब्लैक वो जो टी शर्ट थी ना वो मैंने धोने में दे दी है, अब मैंने ये नया नया पहन लिया है। और आई एम सॉरी गाइस, आप लोग सोच रहे होगे कि हमारा व्लॉग क्यों नहीं आया, मतलब आज तो हमारा वाईफाई नहीं आ रहा था। एक तो यहाँ पे नेट की प्रॉब्लम इतनी है, मतलब हमारा नेट तो चल ही नहीं रहा, वो तो छोड़ ही दो, ऊपर से जो वाईफाई है ना इनका इतना अटक अटक के चल रहा है ना, तो फिर आई एम सॉरी उसके लिए, क्योंकि हमारे डेली व्लॉग्स है ना तो हमें डेली डालने होते हैं। पर मैंने डाला था मिनी व्लॉग और आई होप आपने देखा होगा वो मिनी व्लॉग, 1 मिनट का था, छोटा सा था, पर
वो कम ज्यादा कम ले रहा था ना स्पीड नेट की, तो वो डल गया। हाँ तो मैंने वही डाल दिया और अब डेली ब्लॉग्स आया करेंगे। कोई एक्सक्यूजेस नहीं है मेरे, कोई एक्सक्यूजेस नहीं दे रही, एक्सक्यूज क्या बोलते हैं, कोई बहाना नहीं कर रही मैं कोई बहाना नहीं कर रही मैं। सच में हमारा वाईफाई नहीं था और अभी भी वाईफाई नहीं आ रहा है, तो मैं कल के लिए बहुत ज्यादा चिंतित हूँ। पर कोई बात नहीं, सुबह जल्दी उठ के जल्दी जल्दी डालना पड़ेगा व्लॉग, वरना आप लोग कमेंट में भर दोगे व्लॉग क्यों डाला, व्लॉग क्यों नहीं डाला। सोना यहाँ पे कल की तैयारी कर रही है, मतलब कल कौन सी शॉर्ट्स बनानी है और स्क्रिप्ट लिख रही है वो। ये देखो, ये देखो, और अब मैं करने जा रही हूँ एडिटिंग व्लॉग की, जो हमने आज शॉर्ट्स बनाई है उसकी, और थोड़े से मिनी व्लॉग, बहुत कुछ है। और कम से कम 12-12:30 बजे सोएंगे हम, और फिर सुबह फिर उठो 6 बजे। घर में ऐसा ही था, घर में आराम से सो जब मन करे, और आराम से उठो जब मन करे। अपनी मर्जी, अपने मर्जी के मालिक थे हम, ऐसे बोल रहे हैं। हाँ मैं कोशिश कर रही थी अब सही से बोल दूँ एक बारी में। और गाइस चलो यहाँ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। आप अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। बाय बाय। और गाइस अगर कल भी व्लॉग ना आए तो आप समझ जाना वाईफाई नहीं आ रहा। वैसे कल मैं पूरी कोशिश करूंगी, कोई टेंशन नहीं है। और जयेश भी आपको हिंट दे रही हूँ। सो बाय।